हेलो एंड वेलकम टू सिंपल स्टाइल कुकिंग। आज मैं आपसे साथ शेयर करने वाली हूँ इजी वेज बर्गर की रेसिपी, जिसे बनाना है बेहद आसान। इसे मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है, जिसे आप आसानी से इसे घर में बना सको। एक बार आप इस रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिएगा, आपको बेहद पसंद आएगी। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए। और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाकर ऑल ज़रूर करें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम पैटीज बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने ले लिया एक मिक्सिंग बोल और इसमें हम ऐड कर देंगे आलू। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 3 मीडियम साइज़ के आलू, जिसे मैंने बॉईल करके छील के उसे अच्छी तरीके से ग्रेट कर लिया है। इसे हम बोल में ऐड कर देंगे। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी गाजर। तो गाजर को मैंने एक सीटी लगाकर बॉईल कर लिया है। उसके बाद मैंने इसे अच्छी तरीके से ग्रेट कर लिया है। इसे भी हम बोल में डाल देंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरा मटर। यहाँ पर मैंने आधा कप हरा मटर लिया है, जिसे मैंने हल्का सा बॉईल कर लिया है। इसे भी हम बोल में ऐड कर देंगे। बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज का प्याज लिया है। एक हरी मिर्च, जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है, इसे ऐड कर देंगे। 1 इंच अदरक, जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है, इसे भी हम ऐड कर देंगे। थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड कर दें, लगभग 2 बड़े चम्मच। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे सारे मसाले। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/4 चम्मच आमचूर पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 1/4 कप ब्रेड क्रम्स ऐड कर देंगे। ये बाइंडिंग में हेल्प करती है। और अब हम इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने बेसिक सी सब्जी ली है, जिसमें मैंने आलू मटर गाजर लिया है। आप अपने पसंद की कोई भी सब्जी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, जिससे सारे मसाले और सब्जी जो है आपस में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर मैंने इसे मिक्स कर लिया है। फिर भी हमारा जो मिक्सचर है वो थोड़ा सा स्टिकी लग रहा है, यानी कि चिपचिपा लग रहा है। तो मैं इसमें 1/4 कप ब्रेड क्रम्स और ऐड कर देती हूँ और इसे हम वापस से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने टोटल में 1/2 कप ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल किया है। इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे हाथ में इस तरीके से और एक बार पैटीज बनाकर चेक करेंगे। तो ये देखिए, इसकी पैटीज बन रही है। तो अब हम इसका पैटीज बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल लेंगे और हाथों को अच्छी तरीके से ग्रीस कर लेंगे, ताकि जब हम पैटीज बनाएं तो हमारे हाथों में वो चिपके नहीं। तो थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे हाथ में इस तरीके से, इसे अच्छी तरीके से राउंड करेंगे, चपटा करेंगे और साइड के एजेस को अच्छी तरीके से शेप दे देंगे। जिस तरीके की पैटी की शेप होती है ना राउंड, बिल्कुल उसी तरीके की शेप दे देंगे। तो इसे आप अच्छी तरीके से एक शेप दे दें। तो यहाँ पर हमारा एक पैटी जो है वो बनकर तैयार है। इसे मैं प्लेट पर रख देती हूँ। दोबारा से थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे हाथ में कुछ इस तरीके से, उसे अच्छी तरीके से राउंड करेंगे, उसके बाद इस तरीके से चपटा करेंगे। उसके बाद आप इसके साइड के एजेस को कुछ इस तरीके से राउंड कर लें और इसे एक परफेक्ट राउंड शेप देने की कोशिश करें। ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो ये देखिए, ये एकदम परफेक्ट राउंड हो गया है। तो हमारा ये पैटीज भी बनकर तैयार है। इसे हम प्लेट पर रख देते हैं। तो सेम इसी तरीके से ये 3रा पैटीज और ये 4था पैटीज बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे पैटीज को बनाकर तैयार कर लिया है और अब हम इसे कोट करने के लिए एक स्लरी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो स्लरी बनाने के लिए हम ले लेंगे एक मिक्सिंग बोल और इसमें हम ऐड कर देंगे लगभग 2 बड़ा चम्मच मैदा, 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर और ज़रा सा नमक। इन सबको हम अच्छी तरीके से एक बार मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका एक पतला बैटर बनाकर तैयार कर लें। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि इसमें जितनी भी गुठली है वो डिज़ोल्व हो जाए। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और इसमें वापस से थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे और इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे मिक्स कर लिया है। फिर भी इसका जो मिक्सचर है वो थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर देती हूँ। तो मैंने टोटल में मैंने यहाँ पर 1/2 कप + 1/4 कप पानी ऐड किया है। तो इसे मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और यहाँ पर हमारी जो स्लरी है वो बनकर तैयार है। और अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट प्रोसेस में।
तो यहाँ पर मैंने ले लिया है ये मैदा और कॉर्नफ्लावर का घोल जिसे हम स्लरी कहते हैं, यहाँ पर ये ब्रेड क्रम्स और ये पैटीज जो हमने बना कर रखा था, तो इसे अब हम कोट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक पैटीज लेंगे इस तरीके से और इसे हम ये मैदा और कॉर्नफ्लावर के घोल में डाल देंगे और इसे हम अच्छी तरीके से कोट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे कोट कर लिया है, इसे हम हल्के हाथ से इस तरीके से उठाएंगे और इसे हम ब्रेड क्रम्स में डाल देंगे। दोनों तरफ से ब्रेड क्रम्स लगा दें और इसके साइड के एजेस में भी कुछ इस तरीके से ब्रेड क्रम्स लगा दें, थोड़ा सा ऊपर में भी लगा दें, हल्का हल्का इस तरीके से दबा दें ताकि ब्रेड क्रम्स जो है वो इसके ऊपर चिपक जाए अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर ये सेट हो गई है, तो इसे हम वापस से कोट करेंगे। तो इसे मैं वापस से ये मैदा और कॉर्नफ्लावर के घोल में डाल देती हूँ, इसे हम अच्छी तरीके से कोट कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे कोट कर लिया और अब हम इसे बहुत ही केयरफुली इस तरीके से उठाएंगे और इसे हम ब्रेड क्रम्स में वापस से डाल देंगे। तो मैं जब भी ब्रेड क्रम से कोटिंग करती हूँ हमेशा उसे दो बार ही कोट करती हूँ, उससे क्या होता है ना कि इसके ऊपर के एजेस काफी ज्यादा क्रिस्पी बनते हैं। तो इसे आप ब्रेड क्रम्स से अच्छी तरीके से कोट कर लें, दोनों साइड कोट करें अच्छी तरीके से, साइड के एजेस में भी अच्छी तरीके से ब्रेड क्रम्स लगा दें और उसके बाद हाथ से कुछ इस तरीके से दबा लें अच्छी तरीके से ताकि ब्रेड क्रम्स जो है ना इसके ऊपर अच्छे तरीके से चिपक जाए। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने ये पैटीज को रेडी कर लिया है, इसे हम प्लेट पर रख देंगे और सेम इसी तरीके से हम सारे पैटीज को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी चारों पैटीज जो है वो बनकर तैयार है, तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने तेल को गर्म करने के लिए रख दिया है, फ्लेम मैंने मीडियम पर रखा है और अब मैं इसमें बहुत ही सावधानी से पैटीज को डाल दूंगी और इसे हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है, बीच बीच में आप इसे पलटते भी रहें। तो जैसे ही हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगी ना उसके बाद आप फ्लेम हाई कर लें और उसके बाद इसे आप गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो कलर है वो गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो इसे मैं निकाल लेती हूँ और सेम इसी तरीके से ये दूसरा पैटीज भी फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं अभी दो ही पैटीज फ्राई कर रही हूँ, बाकी मैं बाद में कर लूंगी। तो यहाँ पर हमारी दूसरी पैटीज जो है वो भी फ्राई हो गई है, इसे भी हम निकाल लेते हैं। और यहाँ पर मैंने ले लिया ये बर्गर बन और अब हम एक बर्गर बन लेंगे और इसे कुछ इस तरीके से कट कर लेंगे, इस तरीके से हाफ में आप कट कर लें। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे कट कर लिया है, तो सेम इसी तरीके से हम सारे बर्गर बन को कट करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे बर्गर बन को कट करके तैयार कर लिया है और अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट प्रोसेस में और अब हम बर्गर बन को सेक लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया एक तवा, गैस कर लेंगे ऑन और इसके ऊपर हम जरा सा बटर लगा देंगे, चारों तरफ बटर को तवे के ऊपर अच्छी तरीके से फैला लें, फ्लेम बिल्कुल आप लो पर रखें। उसके बाद आप इसके ऊपर एक एक करके बर्गर बन को डाल दें और इसे आप एक मिनट के लिए सेक लें और इसके ऊपर भी थोड़ा सा बटर लगा दें कुछ इस तरीके से और इसे हम लो फ्लेम में लगभग एक मिनट के लिए सेक लेंगे। यहाँ पर एक मिनट हो गया है, इसे पलट लेंगे और दूसरी साइड भी हम एक मिनट के लिए सेक लेंगे। तो यहाँ पर ये दूसरा साइड भी अच्छी तरीके से सिक गया है, तो इसे हम एक एक करके निकाल लेते हैं और अब हम चलते हैं इसके फाइनल प्रोसेस में, यानी कि बर्गर को असेंबल करने के प्रोसेस में। और अब हम ले लेंगे बर्गर बन। तो यहाँ पर मैं अभी दो बर्गर बना रही हूँ, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने सिर्फ दो ही बर्गर लिए हैं और अब हम बर्गर के निचले वाले हिस्से के ऊपर मेयोनीज लगा देंगे। तो एक एक चम्मच दोनों बर्गर के ऊपर डाल दें कुछ इस तरीके से और उसके बाद आप चम्मच से अच्छी तरीके से फैला लें। आप मेयोनीज की क्वांटिटी अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा मेयोनीज पसंद है तो ज़्यादा ऐड करें, कम पसंद है तो कम ऐड करें। तो यहाँ पर मैंने ये मेयोनीज स्प्रेड कर दिया है और अब हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे ये लेटस के पत्ते। तो ये कैमरा में पता नहीं क्यों ऐसा पीला दिख रहा है, ओरिजिनली में ये लाइट ग्रीन कलर का है। अगर आपके पास ये लेटस के पत्ते नहीं हैं तो आप इसके बिना भी बना सकते हो। और अब मैं इसके ऊपर ये पैटीज डाल दूंगी और अब मैं इसके ऊपर ये प्याज ऐड कर दूंगी। तो प्याज को कुछ इस तरीके से खोलकर इस तरीके से ऐड कर लें और अब हम इसके ऊपर ये टमाटर ऐड कर देंगे, थोड़ा सा नमक ऐड कर दें, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर ऐड कर दें, आप चाहें तो चाट मसाला पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम ये चीज स्लाइस ऐड कर देंगे, तो दोनों बर्गर के ऊपर चीज स्लाइस ऐड कर दें। यहाँ पर मैंने ले लिया है ये तंदूरी मेयोनीज, तंदूरी मेयोनीज की जगह पर आप मेयो में थोड़ा सा टोमेटो केचप ऐड करके भी डाल सकते हैं। मुझे तंदूरी मेयोनीज बर्गर में ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैंने यहाँ पर तंदूरी मेयोनीज का इस्तेमाल किया है। और अब हम ये बर्गर का ऊपर वाला हिस्सा लेंगे और इसके ऊपर हम 1.5 चम्मच तंदूरी मेयोज डाल देंगे और इसे हम अच्छी तरीके से स्प्रेड कर देंगे। सेम उसी तरीके से दूसरा पीस लेंगे, इसके ऊपर भी 1.5 चम्मच डालेंगे और इसे हम अच्छी तरीके से स्प्रेड कर देंगे। और अब हम इसे बर्गर के ऊपर कुछ इस तरीके से डाल देंगे और इसे हम हल्का सा दबा देंगे।
और ये दूसरे बर्गर के ऊपर भी डाल दें, हल्का सा दबा दें। और अब मैं इसे टूथपिक की मदद से सिक्योर कर लेती हूँ। ये करना कम्प्लीटली ऑप्शनल है, इसे बस हमारा जो बर्गर है ना वो सिक्योर रहता है। तो देखा ना आपने कितना ईजी है बनाना बर्गर। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने बच्चों को खिलाएं। उम्मीद करती हूँ कि आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।